Hi guys, welcome back to the channel and welcome to another episode of Beginner's Makeup Series. Yes, we have reached to episode 9 and it's about highlighters. So what is highlighter? Why do we use highlighter? Where do we use highlighters? आज हम बात करेंगे इस सब के बारे में. So, to start with, what is a highlighter? Highlighter is a shiny pigment जो आपके फेस को ना एकदम से ग्लोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है जब आप अपने फोटोज खींचते हो या अपना वीडियोस बनाते हो. एंड इट गिव्स यू दैट ब्लाइंडिंग इफेक्ट. इट गिव्स यू दैट ग्लो फ्रॉम विद इन इफ यूज्ड राइट. ओके, अगर आप ज्यादा कर लोगे तो वो चंकी भी लग सकता है एंड केकी हो जाता है उसकी वजह से आपका मेकअप. तो यू नीड टू यूज इट इन अ राइट वे. दैट इज वॉट इज अ हाईलाइटर. सो हाईलाइटर हमारे पास तीन टाइप का होता है, पाउडर, क्रीम एंड अ लिक्विड. आई हैव ऑप्शंस टू शो यू इन ऑल थ्री कैटेगरीज. यस, आई हैव ऑल थ्री. सो या, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पाउडर हाईलाइटर. सो यू कैन सी आई हैव अ फुल फेस ऑफ मेकअप बट एक्सेप्ट हाईलाइटर. आई हैवंट यूज्ड एनी हाईलाइटर व्हाटसोएवर ऑन माय फेस राइट नाउ. वो मैं आप लोगों के साथ डेमो में करने वाली हूँ. उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पाउडर हाईलाइटर. इज दिस वन, दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड हाईलाइटर, मेगा ग्लो हाईलाइटर. या ओके, सो दिस इज अ पाउडर हाईलाइटर. आई हैव मोर ऑफ द पाउडर हाईलाइटर्स. एक है मेरे पास ये मेबलिन मास्टर क्रोम, जो आज ही अभी निकालते टाइम ना मेरे को वैनिटी से मैंने निकाला आप लोगों को दिखाने के लिए. आई ड्रॉप इट एंड आई ब्रोक इट. या, सो आई नीड टू फिक्स दिस थिंग फर्स्ट. बट या, दिस इज ऑल्सो पाउडर हाईलाइटर. देन वी हैव अ क्रीम हाईलाइटर. क्रीम हाईलाइटर में भी आई हैव दिस वन फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. दिस इज अ क्रीम हाईलाइटर. या, देन वन मोर क्रीम हाईलाइटर आई हैव टू शो यू. दिस इज द ब्लू हेवन का डुओ स्टिक. इसमें एक साइड हाईलाइटर है, सो दिस इज ऑल्सो अ क्रीम हाईलाइटर. या, ठीक है. देन वी हैव लिक्विड हाईलाइटर. लिक्विड हाईलाइटर में आई हैव वन ऑप्शन टू शो यू. दिस इज फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. नाउ दे हैव चेंज द पैकेजिंग टू द पंप, बट आई हैव इट लाइक पहले से तो मेरे पास ये ड्रॉपर वाला है. तो या, दिस इज द लिक्विड हाईलाइटर. लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. ये दोनों ऐसा है कि आप एक बार खरीदोगे जिंदगी भर चलने वाला है. रीजन बीइंग कि एक ड्रॉप में ना आपका पूरा फेस हाईलाइट हो जाता है. लाइक लिटरली दिस मच इज नीडेड टू हाईलाइट योर फुल फेस. या, लुक एट दैट ग्लॉसीनेस. ये बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता है. इट ब्लेंड्स इनटू स्किन लाइक ड्रीम. या, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डेमो. तो मैं आपको दिखाती हूँ पाउडर हाईलाइटर को मैं कैसे यूज करती हूँ. फॉर दैट आई एम गोना यूज वेट एंड वाइल्ड का, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेबलिन वाला मेरे से टूट गया है. तो फर्स्ट आई नीड टू फिक्स इट, देन आई कैन यूज इट. अदरवाइज अभी सारा यहीं पे फैल जाना है. इसीलिए डेमो स्टार्ट करने से पहले आई नीड टू टेल यू कि किस टाइप के ब्रश से आपको वो यूज करना है. जनरली इट इज सेड के हाईलाइटर ना आपको फैन ब्रश से यूज करना चाहिए. दैट इज दिस काइंड ऑफ अ ब्रश. दिस इज अ फैन ब्रश. ओके, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो स्टिल यू कैन यूज इट वेरी नाइसली. ये नहीं है कि आपको ये खरीदना ही पड़ेगा ऐसा फैन ब्रश, बिकॉज मैं मेजरली इसको यूज नहीं करती हूँ. आपने मेरे को मेरे वीडियोज में, मेकअप वीडियोज में कभी इसको यूज करते हुए नहीं देखा होगा. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखा होगा. सो या, आई यूज इट फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रश विच इज अ दिस वन. या आप कोई भी और फ्लफी ब्रश ले सकते हो. तो आपको क्या करना है, यू नीड टू पिक योर पाउडर हाईलाइटर नॉट फ्रॉम दिस वे. ओके, जैसे हम हमारा ब्लश उठाते हैं या पाउडर, फेस पाउडर उठाते हैं, नॉट दैट वेज. वी नीड टू टेक आर हाईलाइटर साइड वेज. ओके, लाइक दिस, दिस, लुक एट दैट, लुक एट दैट. ठीक है, अब अगर आपको ब्लाइंडिंग इफेक्ट चाहिए तो जस्ट गो डायरेक्टली. बट इफ यू नीड मोर ऑफ अ नेचुरल फिनिश, बिकॉज दीज डेज इट्स नॉट अबाउट ब्लाइंडिंग हाईलाइटर. It was like around 2-3 years back, it was all about blinding highlighters. But currently, it's not. It's more of a natural version. इसीलिए tap of the excess and we use it. Okay, now where do we use it? की definition है, on the highest points of your face. What is the highest point of your face? When you smile, you see these cheekbones getting higher. Yeah? Yeah? Your nose, your bridge of the nose. एंड योर चेन एंड योर क्यूपिड्स बो. क्यूपिड्स बो पे हम क्यों करते हैं? सो दैट आर लिपस्टिक इज मोर, इट लुक्स लाइक मोर इंटेंसिफाइड, मोर डायमेंशन टू इट. इसीलिए हम यहां करते हैं हमारे लिप्स को और ज्यादा डायमेंशन देने के लिए. ठीक है, चलिए, हाइएस्ट पॉइंट इज चीक्स.
चीक बोन्स पे हम यूज करेंगे या एंड लुक एट इंस्टेंटली हाउ इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस या नाउ वी जस्ट नीड टू ब्लेंड इट. ऐसा नहीं है कि फैन ब्रश या आप किसी और से नहीं कर सकते हो या आप ऐसे स्ट्रीक मार के छोड़ दोगे. यू नीड टू ब्लेंड इट सो दैट आपका जो ब्लश है उसमें ये मर्ज लगना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक लाइन हमने यू मार के छोड़ दिया है. दैट्स नॉट द केस. या चलो नाउ ऑन द टिप ऑफ द नोज ब्रिज ऑफ द नोज लाइक सो देन ऑन द चिन एंड ऑन द क्यूपिड्स बो. क्यूपिड्स बो पे लाइक मैंने ऑलरेडी लिपस्टिक अप्लाई कर लिया तो आई एम गोना यूज माय फिंगर. या ओके. एंड आप एक और काम कर सकते हो हाइलाइटर से आप मल्टी यूज भी कर सकते हो जैसे मैंने आज किया है. या आपको मेकअप लुक जब मैं इसका ट्यूटोरियल डालूंगी उसमें दिख जाएगा आपको कि मैंने यहाँ इनर कॉर्नर्स में भी अपना हाइलाइटर ही यूज किया है. यस एंड थोड़ा सा हम अपने फोरहेड को भी करेंगे या मिडिल में ओनली बिकॉज दैट इज ऑल्सो द हाइएस्ट पॉइंट वेन यू क्लिक अ पिक्चर और वेन यू शूट अ वीडियो. दीज आर द पॉइंट जो आपके एकदम से हाईलाइटेड होते हैं इसीलिए इनको और ज्यादा ग्लोई बनाने के लिए वी यूज हाइलाइटर्स. You can see now. Okay, so मैंने अपना एक चीक छोड़ दिया है that is to show you the liquid highlighter. इसीलिए because cream highlighter मैं आपको बहुत बार already दिखा चुकी हूँ तो I wanted कि demo में मैं आपको liquid दिखा देती हूँ. वैसे मैंने liquid भी दिखाया है I remember so but still ठीक है. Now this is the liquid one. Just a tiny bit. ये बहुत ज़्यादा है like this is बहुत ज़्यादा but इससे कम मैं निकाल ही नहीं सकती थी because मुझे बस यहाँ लगाना है बाकी फेस पे आई एम डन बट I can't help it. Look at that pigment. इसको हम डैब डैब मोशन में करेंगे. आप अपने स्पंज से भी कर सकते हो. I'm using my fingers only here. But ऐसा कोई mandatory नहीं है. You can use your sponge also. But I will not recommend a brush. टू ब्लेंड अ लिक्विड हाईलाइटर बिकॉज वो पूरे में फैल जाता है एंड आधे से ज्यादा तो ब्रश पे रह जाता है. दैट डजंट लुक गुड. इसलिए या तो अपने स्पंज से कीजिए या फिर आप अपने फिंगर से कर सको लाइक आई डिड. लुक एट दैट ग्लो. या सो यस आप लोगों ने देख लिया कि लिक्विड को कैसे किया मैंने एंड पाउडर को कैसे किया. लिक्विड हाइलाइटर कैन बी अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज यू कैन ईजिली गेट ओवर बोर्ड विद इट. तो अगर आप बिगिनर हो सी बिकॉज दिस इज अ बिगिनर मेकअप सीरीज तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय अ पाउडर हाईलाइटर रादर देन अ क्रीम और अ लिक्विड बिकॉज क्रीम को ब्लेंड करना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड लिक्विड को भी ब्लेंड करना बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं होता है. इसीलिए आई वुड रिकमेंड टू बाय अ पाउडर हाईलाइटर इफ यू आर अ बिगिनर. ऑलराइट सो आप लोगों ने डेमो में देखा हाउ आई यूज द हाइलाइटर एंड किस पॉइंट पे किया कैसे किया किस टाइप का किया. सो आई हैव शोन यू ऑल ऑफ दैट. अब बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में कि कौन से ब्रांड का आप ले सकते हो. इफ यू वॉन्ट अ अफोर्डेबल वन आई हैव द टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. वन इज दिस वेट एंड वाइल्ड एंड द अदर वन इज दिस मेबेलिन मास्टर ग्रो. इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए एंड दे वर्क जस्ट अमेजिंग लाइक सीरियसली किसी भी हाई एंड को बीट करने के लिए दीज टू आर परफेक्ट. एंड ये दोनों जो है लाइक ऐसे 500 या 600 की रेंज में आते हैं सो दैट दीज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव बिकॉज इट विल टेक अ लाइफ टाइम टू फिनिश दिस ऑफ. ये कभी फिनिश ऑफ नहीं होने वाला है आपको बस ये अल्टीमेटली फेंकना ही पड़ेगा ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है देन इफ यू वॉन्ट अ लिक्विड हाईलाइटर तो मैंने आपको ये शुगर कॉस्मेटिक्स का दिखा दिया और स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाईलाइटर आता है और मैक की स्ट्रोक क्रीम आती है दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्राइमर और अ हाईलाइटर ऑल्सो एंड वॉट एल्स. यू कैन बाय द मोस्ट पॉपुलर हाईलाइटर ऑफ ऑल टाइम्स इफ यू वॉन्ट अ हाई एंड वन इज अ बेका हाईलाइटर. लाइक दिस इज वर्ल्ड फेमस हाईलाइटर एंड ये आपने मुझे यूज करते हुए शायद देखा नहीं होगा बिकॉज मैं इसको रेयरली यूज करती हूँ. एंड बेका येस बेका हैज क्लोज डाउन बट येस देयर इज अ बट. ओके सो जब बेका कॉस्मेटिक्स बंद होने वाली थी ना मैंने उसे जस्ट पहले ही ये लिया था एंड दिस इज अ स्मॉलर वर्जन. मैंने फुल वर्जन नहीं खरीदा बिकॉज यू नो कि हाइलाइटर्स टेक जस्ट लाइफ टाइम टू फिनिश ऑफ. तो यू कैन सी दिस इज एज न्यू एज हेल. या बट यस बेका कॉस्मेटिक्स बंद हो गई है ब्रांड अपने आप में बट
यू कैन स्टिल बाय दिस बेका का जो हाईलाइटर है, दिस द वर्ल्ड फेमस हाईलाइटर फ्रॉम स्मैश बॉक्स की वेबसाइट या नायका पे आपको स्मैश बॉक्स करके उसमें मिल जाएगा, बिकॉज स्मैश बॉक्स हैज कोलेबरेटेड और बॉट इट लाइक दैट कि बेका के कुछ जो भी एकदम मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स है लाइक दिस हाईलाइटर एंड देर आर टू आई गेस वन और टू मोर प्रोडक्ट्स देयर, तो आप उसमें से ये ले सकते हो. सो इफ यू वॉन्ट आप टू स्प्लर्ज एंड यू वॉन्ट द वर्ल्ड फेमस वन, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस बेका हाईलाइटर. या एंड दिस इज अ पाउडर हाईलाइटर गाइस, सो इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली फॉर श्योर. ठीक है, देन अगर बात करें क्रीम में और ज्यादा अफोर्डेबल की, तो दिस इज द इनसाइड कॉस्मेटिक्स का. दिस रिटेल्स फॉर आई गेस 90 और 100 रुपीज ओनली. सो या देन यू कैन व्हाट एल्स यू हैव, जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया, ये डुओ स्टिक है तो ओके, ब्लू हेवन की साइड से है ये डुओ स्टिक है, तो आपका 2-in-1 प्रोडक्ट है, कॉन्टोर भी हो जाता है एंड आपका हाईलाइटर भी काम करता है. व्हाट एल्स, अच्छा एंड हाई एंड में अगर आप जा रहे हो तो एक और है मेरे पास ब्रांड, आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई हैव सीन दैट प्रोडक्ट, इज फ्रॉम बॉबी ब्राउन. बॉबी ब्राउन का जो पाउडर या बेक्ड हाईलाइटर है, बेक्ड पाउडर इज दिस थिंग ओनली, जो बेका का है या ये वाला है, दीज आर द बेक्ड हाईलाइटर्स और द पाउडर हाईलाइटर्स. तो बॉबी ब्राउन का भी आई हैव हर्ड एंड आई हैव यूज्ड इट ऑन लाइक किसी स्टोर पे जाके मैंने ट्राई किया हुआ एंड इट इज अमेजिंग. सो इफ यू वांट अ स्प्लर्ज, बॉबी ब्राउन ऑल्सो डज अ गुड जॉब. ऑल राइट, सो अफोर्डेबल में अगर हम बात करें तो मैक स्ट्रोक क्रीम के लिए जैसे मैंने बताया आपको, एंड अफोर्डेबल में अगर आप जाना चाहते हो तो देयर इज लैकमे लूमी क्रीम विच इज ऑल्सो अ स्ट्रोक क्रीम, तो आप उसकी जगह पे उसको यूज कर सकते हो. एंड व्हाट एल्स, स्ट्रोक क्रीम में मेरे पास, हाँ आई हैव मेबलिन मास्टर क्रोम की स्ट्रोक क्रीम ऑल्सो, दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ हाईलाइटर और अ प्राइमर, लाइक आई हैव इट बट आई हैव नॉट राइट केप्ट इट हियर राइट नाउ, आई फॉरगॉट टू टेक इट आउट, बात करते करते मुझे याद आया है. सो या, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू बाय, बट यस रिमेंबर दैट इफ यू आर अ बिगिनर यू नीड टू स्टार्ट विद पाउडर, आई विल रिकमेंड दैट बिकॉज इट्स ईजी टू ब्लेंड, इट्स ईजी. अगर आप थोड़ा भी ओवरबोर्ड हो जाते हो स्टिल यू कैन मैनेज इट आफ्टरवर्ड्स, आप उसको करेक्ट कर सकते हो. बट इफ यू गो रॉन्ग विद द क्रीम वाला है या लिक्विड वाला है, बिकॉज क्रीम में क्या होता है कि आपका फाउंडेशन भी मूव हो सकता है या आपका ब्लश भी साथ में मूव हो सकता है, एंड दैट इज नॉट, दैट इज द केस दैट यू डोंट वॉन्ट टू हैपन. तो इसीलिए क्रीम वाला तो वर्क्स लाइक दैट, एंड लिक्विड वाले में ना आप बहुत इजीली ओवरबोर्ड हो सकते हो. यू कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी, यू कैन नॉट कंट्रोल द ब्लेंडेबिलिटी इन केस ऑफ लिक्विड हाईलाइटर्स, बिकॉज लिक्विड, अब जैसे ये शुगर का मैंने आपको यूज करके दिखाया ना, ये इतनी जल्दी सेट होता है ना कि मैं अगर ऐसे करती ना, यहां कर देती हूँ, यहां डॉट कर देती हूँ, यहां ब्लेंड करती हूँ, फिर मैं यहां आती, वो हिलता नहीं अपनी जगह से. या तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो यू नीड टू स्टार्ट विद पाउडर और द बेक्ड हाईलाइटर्स. सो या, एंड आई गेस दैट इज प्रिटी मच इट फॉर द हाईलाइटर्स गाइज, बिकॉज एंड या दिस वीडियो इज शॉर्ट बिकॉज हाईलाइटर्स के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसमें क्या है, इट इज यूज टू गिव दैट ग्लो टू योर स्किन, ग्लो टू योर फेस, इट एनहेंसेज योर हाइएस्ट पॉइंट्स, तो या एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट सो दैट यू गेट अ गुड फोटोज और अ वीडियो. तो या, तो इसीलिए हाईलाइटर्स में देयर इज नथिंग मच टू सी अबाउट या टू गिव नॉलेज अबाउट, जितना पॉसिबल था जितना मेरे को देना था आई गेस आई हैव डन इट. सो या, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक. सो या, विद दिस एपिसोड इज डन. आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यस प्लीज शेयर दीज वीडियोज बिकॉज दीज आर वेरी हेल्पफुल टू ऑल द बिगनर्स आउट देयर. तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में डेफिनेटली इसको शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू नीड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो मी देयर ऑल्सो गाइज. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू गाइज टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय बाय.